आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लासिक हेल्दी और डिलिशियस टोमेटो सूप, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ हमने शामिल कर दी थे, कुछ सब्जियां शामिल करनी थी ब्रेक में जाने से पहले। अब हमारी दूसरी इंग्रेडिएंट्स की बारी है नाज़रीन, इसमें हमने शामिल किए थे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिकैप करा दूँ, हमने इसमें शामिल किया था एक अदद प्याज बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड, और उसके साथ हमने एक अदद गाजर और लहसुन और अदरक और उसके साथ सेलरी जो कि ऑप्शनल थी, उसके बगैर भी बिल्कुल उतना ही डिलिशियस सूप तैयार हो सकता है। और इसमें नाज़रीन हमने तेज़पत्ता शामिल किया था जो हम टमाटरों को ब्लेंड करने से पहले हम निकाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो मक्खन के साथ सबसे पहले तेज़पत्ता और उसके बाद सारी सब्जियां। अच्छा, इसमें अब हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर की पेस्ट, एक टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर और साथ डेढ़ टेबल स्पून इसमें पानी के साथ हमने मिला लिया और इसमें शामिल कर दिया और हमने हिलाते रहना ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो जल ना जाए, बहुत जल्दी जल जाता है। साथ ही हमने इसमें आधा किलो टमाटर बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हमने शामिल कर दिए। अच्छा नाज़रीन, अब हमने टमाटरों को 3 से 4 मिनट पकाना है, मीडियम हमारे चूल्हे की आंच होनी चाहिए ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं। एक दफ़ा नरम हो जाएंगे यही मिक्सचर हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद वापस इसी देचकी में वापस कढ़ाई में वापस शामिल करेंगे। उसके साथ 100 ml इसमें दूध शामिल होगा और 400 ml इसमें पानी, उसके साथ वो थिक भी होगा, पकेगा भी, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सूप लाइक तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कौन सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सूप के लिए परफेक्ट होती है और आपको कैसे पता चल सकती है। वो ऐसे कि जब आपने सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए पानी और दूध, उसके बाद आप हिलाते रहिएगा, आप खुद देखिएगा कि आपका बैक चम्मच का पिछला हिस्सा जो है वो बिल्कुल कोट हो जाएगा। एक दफ़ा वो शीन शाइन सी आ जाए और वो कोट होने लगे, बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल स्मूथ सिल्की उसका टेक्सचर है, इसका मतलब है सूप आपका बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है और तैयार है, तो उस वक्त आपने बिल्कुल रिमूव कर लेना है। साथ ही हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं कौसर बात कर रही हूँ। जी कौसर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी कौसर जी, आज हम आपका शो नहीं देख सकते क्योंकि लाइट नहीं है ना। ओह आई एम सो सॉरी, रात को देख लीजिएगा ना। हाँ, इसीलिए किए, रिपीट में देखेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर इंशाल्लाह। जी कौसर, और आज को मेहमान कौन आया हुआ है? आज मेहमान नहीं आ सका क्योंकि ट्यूसडे है ना, हमारे मेहमान होते हैं पीर के दिन और बुध के दिन। अच्छा जी, कोई खास सवाल कोई है आपका? कल हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी मौजूद शो पे। अच्छा, तो कोई ऐसा खास सवाल है जो आप करना चाहेंगी? जी आपकी आवाज काफी कम आ रही है। मैंने कहा कोई ऐसा खास सवाल है जो आप हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से करना चाहेंगी, तो मैं नोट कर लेती हूँ क्योंकि कल के शो में वो हमारे साथ होंगी। कौन होंगी? कल हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी। अच्छा, ये हार्मोन्स वगैरह का प्रॉब्लम है? वजन के हवाले से नहीं, हार्मोन्स में प्रॉब्लम जो होते हैं आजकल। जी जी, बट फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपके लेवल्स, मुझे सही तरह समझ में नहीं आ रहा आपका सवाल। आप अगर दोबारा कल शो में कॉल कर लीजिए या आप हमें ईमेल पे या दोबारा हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपना सवाल लिखवा दीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कल इंशाल्लाह शुरू ही के शो में हम न्यूट्रिशनिस्ट से आपका ये सवाल पेश कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे टमेटो का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्लेंडर में ये शामिल करूँगी और तेज पत्ता जो है वो मैं आपके सामने हटा रही हूँ। यहाँ पे ये हटा दिया आपने और साथ ही अब नाज़रीन ये मैं ब्लेंड करूँगी। कोशिश कीजिएगा नाज़रीन, ये बहुत गर्म होता है, आप जब घर में तैयार कीजिएगा तो ज़रा सा इंतज़ार कर लीजिए ताकि इसकी स्टीम सारी ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप ब्लेंड कीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, हम आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको फ़ौरन ब्लेंड करेंगे। लेकिन आप जब घर में कीजिएगा तो ज़रा सा इसको रूम टेम्परेचर पर ले आइए। अच्छा जी, अब हम इसमें कैप लगा के इसकी ढक्कन लगा के और इसको ब्लेंड कर देते हैं और आप देखिएगा कि कितनी जल्दी ये प्यूरी तैयार हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, जितनी देर में ये ब्लेंड हो रहा है मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स
जो हम अब मटर मसाले के जो हैं एक नॉर्थ इंडियन डिश, उसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त डिश, स्पेशली ठंडे वाले मौसम में मटर जो हैं वो बहुत अगर अच्छी तरह बने हों तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप रोटी के साथ, चावलों के साथ खूब इसको इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत मज़ेदार काजू की करी हम तैयार करेंगे। थोड़े से काजू लेके उनकी पेस्ट तैयार करके उसके साथ इसको प्याज की पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और उसके साथ मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे जो भी मैं आपको नोट करवाऊंगी। आप नोट कर लीजिए नाज़िम, हमें एक अदद छोटा प्याज चाहिए। उसको आप बिल्कुल ब्लेंडर में उसको प्यूरी कर लें, उसकी पेस्ट बना लें। उसके साथ हमें कुछ मुट्ठी भर काजू चाहिए, जिनको आप ब्लेंडर में थोड़े से पानी शामिल करके, क्योंकि अदरवाइज ब्लेड्स नहीं रन करेंगे और वो पेस्ट ब्लेंड नहीं होगी। तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम काजू आप ले लीजिए और उनकी आप पेस्ट बना लीजिए थोड़े से पानी के साथ। तो काजू की पेस्ट हो गई, प्याज हो गया, उसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, उसके साथ 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, उसके साथ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नाज़िन 100 ग्राम्स हमें टमाटर की पेस्ट चाहिए। आप टमाटरों का छिलका रिमूव करके और उनकी ये प्यूरी और पेस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके साथ हमें 100 ml हमें दही चाहिए, उसके साथ मटर 1.5 कप। आप चाहें तो इनको पहले से उबाल लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, ताकि वो थोड़े से इतने सख्त ना हो। उसके साथ ऑप्शनल है, आप इसमें ज़ाफ़रान शामिल करिए और अगर चाहें तो इसमें थोड़े से 50 ml बिल्कुल आखिर में आप क्रीम शामिल कर सकते हैं। स्पेशली ये एक ऐसा दावती किस्म का एक डिश है, दावती दावत के टाइम पे आप इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और स्पेशली शाम में सर्दियों के मौसम में थोड़ी सी क्रीम मज़े की लगती है, तो आप चाहें तो इसमें ज़रूर शामिल कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये ब्लेंड हो चुका है मिक्सचर, टमाटर बिल्कुल इसमें फाइनली ब्लेंड हो चुके हैं और अब नाज़रीन इसमें हमने ये मिक्सचर वापस शामिल कर दिया और इसमें अब हम शामिल करेंगे अच्छी तरह। आप इसको ब्लेंडर में से अपना हाथ का ख्याल कीजिएगा और नाज़रीन अब इसमें हम शामिल करेंगे 400 ml इसमें पानी और नाज़रीन 100 ml इसमें दूध। अच्छा, साथ ही इसमें नाज़रीन हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, कुटी हुई काली मिर्च अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टीस्पून। आप बिल्कुल जब सूप तैयार हो जाए तभी सीजनिंग चेक कर सकते हैं और 1/2 टीस्पून इसमें नमक और अब आप इसको अच्छी तरह हिला लीजिए ताकि कोई लम्स इसमें नज़र ना आए आपको। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अब मज़ीद टमेटो सूप को पकाएंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे। उबाला जैसे आएगा उसके बाद आपने 2 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है और उसके बाद हम इसको किसी शैलो डिश में गहरे से प्याले में सर्व करेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल बोल्स में भी सर्व कर सकते हैं और इसके साथ डबल रोटी, स्पेशली मैं तो आपको रेकमेंड वाइट ब्रेड नहीं करूँगी बट ब्राउन ब्रेड को आप छोटा छोटा काट के अलग से थोड़ा सा लाइटली डालडा कुकिंग ऑयल में आप फ्राई कीजिए ताकि उनके क्रूटॉन्स तैयार हो जाएं और ऊपर से आप उनको ड्रेस कर सकते हैं सूप के साथ और खूब एक होलसम मील आपके लिए हो सकती है, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में टमेटो सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बिल्कुल कम कैलोरीज होती हैं और आपको बहुत देर काफ़ी देर फिल्ड अप भी रखता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हम तैयार करेंगे मटर मसाला और आपके लिए सर्व करेंगे टमेटो सूप। तो कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।